नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। नए साल को आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स को अक्सर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगती है, उनके एडमिशन को लेकर वो चिंतित हो जाते हैं। तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि न्यूज फाउंडेशन आपके लिए ये वीडियो लाया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि पटना के टॉप 10 कौन कौन से स्कूल हैं जिसमें डालकर आप अपने बच्चों को निश्चिंत रह सकते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 10 में 10वें नंबर के स्कूल की बात करेंगे। 10वीं रैंकिंग जो प्राप्त हुई है वो लिट्रा वैली स्कूल को प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि लिट्रा वैली स्कूल की जो स्थापना है वो 2007 में हुई थी और ये स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है और पिछले कई सालों से अक्सर चर्चा में रहता है। अगर 9वीं रैंकिंग की बात की जाए तो 9वीं रैंक पर लोयला हाई स्कूल है। लोयला हाई स्कूल की स्थापना 1959 यानी कि 1969 में हुई थी। अभी फ़िलहाल ये कुर्जी में है और साथ ही बॉयज़ स्कूल है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 1993 में पहले ये BSEB बोर्ड से था, लेकिन 1993 में इसे CBSE से अफिलिएशन मिल गया। इसके साथ ही अगर 8वें नंबर की रैंकिंग की जाए तो वो 1973 में स्थापित डॉन बॉस्को स्कूल की है। डॉन बॉस्को स्कूल के एलुमनाई की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो डॉन बॉस्को स्कूल से आए हैं और ये स्कूल भी CBSE से अफिलिएटेड है। तो 7वें नंबर की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वो है संत कैरेंस हाई स्कूल की, जो 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। CBSE से अफिलिएशन इस स्कूल को भी है और साथ ही ये भी बता दें कि यहाँ के जाने माने एलुमनाई सुशांत सिंह राजपूत थे। इसके साथ साथ अगर हम 6ठे नंबर के रैंकिंग की बात करें तो वो है BD पब्लिक स्कूल, जिसकी स्थापना 2002 में हुई है। बुद्धा कॉलोनी में ये अभी फ़िलहाल स्थापित है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के एक स्टूडेंट अभिषेक भगत को APJ अब्दुल कलाम ने साइंस के क्षेत्र में अवार्ड भी दिया था। 5वें नंबर के अगर स्कूल की बात की जाए तो वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है। इसकी स्थापना 1853 में हुई थी और साथ ही साथ ये जो स्कूल है वो ICSE और BSEB दोनों से सर्टिफाइड है। और अगर यहाँ की चर्चित चेहरे की बात करें तो वो करिश्मा शर्मा और पापिया घोष है। 4थे नंबर के अगर रैंकिंग की बात की जाए तो 4थे नंबर पर मिलीनियम वर्ल्ड स्कूल है, जो फिलहाल जबलपुरा बाईपास रोड में स्थित है। आपको बता दें कि ये स्कूल भले ही नया हो, लेकिन यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं और साथ ही ये भी बता दें कि इस स्कूल में ग्रीनरी बहुत है, बच्चों के लिए एक सुखद वातावरण ये स्कूल देता है। नोटर डेम एकेडमी, जो कि गर्ल्स हाई स्कूल है और 1960 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट है। साथ ही अगर यहाँ के फेमस अलमनाई की बात करें तो परिणीति राय प्रकाश, जो इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की विनर रह चुकी हैं, और साथ ही साथ नीतू चंद्रा एक एक्ट्रेस, वो भी इस स्कूल की अलमनाई है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे रैंकिंग करते हैं, दूसरे स्थान पर संजीवियस हाई स्कूल है, जो 1940 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। फिलहाल ये स्कूल ICSE और BSEB दोनों से ही अफिलिएशन इसे मिला हुआ है। अगर यहाँ के फेमस अलमनाई और चर्चित चेहरों की बात करें तो शेखर सुमन, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, संजय लाल, जो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मनमोहन सिन्हा एयर मार्शल यानी कि इंडियन एयरफोर्स में हैं। तो ये तमाम जो चर्चित चेहरे हैं वो संजीवियस स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। तो अगर फर्स्ट रैंकिंग की बात की जाए तो वो सेंट माइकल हाई स्कूल को है और वो 1858 में इस्टेब्लिश हुआ। और यहाँ के अगर एलुमनाई की बात की जाए तो एक्स डिप्टी CM यानी कि सुशील कुमार मोदी भी यहीं के स्टूडेंट है और विंदेश्वरी दुबे, जो कि एक जाने माने चेहरे हैं, वो भी यहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सेंट माइकल हाई स्कूल पिछले कई सालों से नंबर 1 पर राजधानी पटना में बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये स्कूल भी CBSE से अफिलिएटेड है। आपको बता दें कि ये वीडियो हमने अभिभावकों, शिक्षकों, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर बनाई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।